गुम तो पानी। तो आप लोग को जैसे पता है कि IBPS का रिक्वायरमेंट निकला है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दो पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, ठीक है। तो पहला है क्या ना, PO एंड MT के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग इज नॉट ए जॉब, इट इज ए इमोशन, ठीक है। तो सबको सर बैंकिंग जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हैं IBPS ने वैकेंसीज कितना निकला हुआ है अभी से IBPS से 4135, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि PO एंड MT के लिए पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि वैकेंसी है 588 एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना है 400 और कनाडा बैंक के लिए 650 वैकेंसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 620 वैकेंसी, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 98 वैकेंसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 427 वैकेंसीज एंड यूको बैंक के लिए 440 वैकेंसीज, यूनियन बैंक के लिए आपका 912 वैकेंसीज, राइट। सो यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ना, सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर है। सो यहां पर आप देख सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसेस में पहला है प्रीलिम एग्जाम, देन दूसरा है मेन एग्जाम और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, राइट। सो यहां पर देख सकते हैं आप प्रीलिम एग्जाम के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कितना टाइम है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के लिए पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहां पे आपका करीब करीब 30 क्वेश्चन आता है और मार्क है कितना 30, इसका मतलब पर वन क्वेश्चन वन मार्क एंड टाइम कितना है 20 मिनट्स। और यहां पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड में है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो इसमें क्वेश्चन कितना आता है 35 क्वेश्चन, मार्क कितना है 35 मार्क एंड टाइम कितना है 20 मिनट्स, राइट। और तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चन कितना आता है 35, मार्क कितना है 35 एंड आपका टाइम कितना है 20 मिनट्स, राइट। तो इससे कुल मिलाकर आपका टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम 1 आवर है और आपका क्वेश्चन कितना है 100 क्वेश्चन एंड मार्क कितना है 100 मार्क, राइट। तो ये आपका चला गया आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आएंगे मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो मेन एग्जामिनेशन क्या है ना, इसमें उसको 5 तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है कि नहीं। तो पहला कैटेगरी में आता है क्या, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें कि 45 क्वेश्चन आता है, मार्क कितना है 60 मार्क एंड टाइम कितना है 60 मिनट्स, ठीक है। तो सेकेंड में आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अर्नेस, तो इसमें क्वेश्चन कितना आता है 40 क्वेश्चन, मार्क कितना है 40 मार्क एंड टाइम कितना है 30 मिनट्स। और तीसरे में आता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहां पर 35 क्वेश्चन आता है, मार्क कितना है 40 मार्क और आपका टाइम कितना है 40 मिनट्स। उसके बाद आते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहां पर आपका कितना आता है क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस एंड मार्क कितना है 60 एंड टाइम कितना है ओनली 45 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर आपका टोटल क्वेश्चन आता है 155 क्वेश्चन एंड मार्क कितना है फॉर 155 क्वेश्चंस यू हैव ओनली 200 मार्क एंड टाइम कितना है 3 आवर्स, ठीक है। तो इसमें और एक कैटेगरी क्या है ना, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि आपको यहां पर लेटर राइटिंग और एसे पूछा गया है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे देखिए आपको यहां पे क्वेश्चन दो ही आते हैं, जैसे कि आपका लेटर राइटिंग हो गया और एसे हो गया, उसको आप लिखोगे, ठीक है। इसका मार्क कितना है 25 मार्क और आपका टाइम कितना दिया जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो विद इन 30 मिनट्स आपको क्या करना है ना, आपको लेटर राइटिंग लिखना है और उसके बाद ऐसे भी आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आप किसी भी, आपको क्या होना चाहिए, एक डिग्री होल्डर होना चाहिए, जैसे कि आप बीएससी और बीटेक व्हाटएवर इट, आपका एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
So a degree graduation in any discipline from a university recognized by government of India or any equivalent qualification recognized as such by central government, right? So uske baad important events, iska matlab aapka kab application online application shuru ho raha hai aur kab khatam ho raha hai, theek hai? To start of date of online application kab shuru ho raha hai? 20, इसका मतलब आज से शुरू हो रहा है, ठीक है कि नहीं? और लास्ट डेट कितना तक है? 10/11/2021, इसका मतलब आपका शायद आपका पास कितना टाइम है? 20 दिन का टाइम है, ठीक है? तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको आईबीपीएस का फॉर्म भरना है, ठीक है? राइट, उसके बाद अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये तो सीबीटी बेस्ड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टाइप, ठीक है? तो यहां पर आपका ऑनलाइन जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 4 और 11 को हो सकता है। दिस इज टेंटेटिव ड्यू टू कोरोना सिचुएशन को देख वो लोग डिसाइड करेंगे कि कब होगा, ठीक है? तो लेकिन इस डेट में हो सकता है, ठीक है कि नहीं? और ऑनलाइन मेन एग्जाम आपका कब हो सकता है? जनवरी 2022 में हो सकता है, ठीक? इसका मतलब क्या है? आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो टाइम बहुत कम टाइम है, ठीक है कि नहीं? तो कम टाइम में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है? तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशन फीस, तो जनरल में आपको कितना देना है? 850, मतलब जनरल ईडब्ल्यूसी ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड ईएक्सएसएम के लिए आपको कितना देना है? सिर्फ 175 रुपया, ठीक है? नाउ एज लिमिट, तो एज लिमिट जनरल के लिए आपका 20 से 30 इयर्स होना चाहिए, ठीक है? और ओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है, और आपका एससी एसटी के लिए, और आपका अगर एक्स सर्विसमैन हो तो उसके लिए आपका 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, ठीक है? नाउ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पे स्केल, ठीक है कि नहीं? तो पे स्केल आपको देख सकते हैं यहां पर पे स्केल है 36,000, तो 36,000 मतलब आपका मतलब आ जाएगा लगभग 50,000 से 60,000, ठीक है कि नहीं? तो यहां पे आपका पे स्केल है, लेकिन यहां पर कितना है? 36,000 है ऑनली, ठीक है? नाउ इंपॉर्टेंट लिंक, अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग करें, तो यहां पर आपको जाना है कि वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, तो यहां पर आपको जाकर इसका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है? जो कि आज से शुरू हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं www.ibps.in, ठीक है? अगर आप यहां पे भी जाओ तो आप उसका डिटेल्स सब कुछ आप पा सकते हो। अगर आप बाणिक वेबसाइट में जा सकते हो तो वहां पे भी आपको आईबीपीएस का सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है? से एज वी बाणिक वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोज एंड कंप्लीटली स्टडी मटेरियल फॉर योर आईबीपीएस सिलेबस एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एंड फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग दैट इज सेपरेटली डिस्कसिंग पार्ट, राइट? नाउ हियर यू कैन सी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, जैसे कि आप वहां पे देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ कितना आवर है? ओनली 60 मिनट्स, 100 क्वेश्चन यू हैव ओनली 60 मिनट्स। सो आपको अच्छे एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए मेटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना सब कुछ मेटेरियल में हो, ठीक है? तो पॉइंट टू पॉइंट मेटेरियल में होना चाहिए। और यहाँ पे मेन में आप लोग देख सकते हो कि 155 क्वेश्चन के लिए आपको 3 आवर्स टाइम गिवेन है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे एक्यूरेसी होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेटर राइटिंग और ऐसे के लिए भी बहुत कम टाइम, 30 मिनट्स टाइम, इसके उसी हिसाब से आपको क्या करना है ना, आपका ये तो टाइपिंग बेस होगा तो इसलिए आपका टाइपिंग भी स्पीड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो वो पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तो आप ये वेबसाइट में जाकर ibps.in www.ibps.in में वेबसाइट में जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए।
और आपको एनी चीज का डाउट है, अगर आपको डिटेल्स कहां पे भी नहीं मिल रहा है, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, बाणिक वेबसाइट, सो यू कैन गेट एनी डिटेल्स, राइट। सो यहां पर आपको दे सकते हैं बाणिक का जो फेसबुक पेज है, www.facebook.com/bbsl, इसमें भी आप जा सकते हो, तो आईबीपी स्टेप टोटली आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहां पर आपका जीमेल है, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है आपका www.banik.org, ये हम लोग का वेबसाइट है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपको और किसी चीज का भी डाउट है तो आप इसमें कॉल कर सकते हो, और यहां पे आप व्हाट्सएप में भी हम लोग के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।